क्वारंटाइन करा रखे हैं कोरोना के संदिग्ध लोग जिनके बारे में सूचना मिली थी कि वो या तो उत्तर प्रदेश से बाहर से आए हैं या ऐसी संभावना रही है कि उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम में जमात में हिस्सा लिया है, तो उन सबको सभी गांवों से छानबीन कर परीक्षण करके उनको हमने क्वारंटाइन कराया। 10 स्थानों पर करीब 470 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया और इनको सबको हमने इनका सैंपल लेकर के टेस्ट के लिए भेजा था। टेस्ट सैंपल हमारे 2 जगह गए, शुरुआत में लखनऊ जा रहे थे, उसके बाद मेरठ में जो यहाँ स्थानीय बनाया गया है टेस्टिंग लैब, तो उसमें हमने ये सैंपल्स भेजे। तो करीब 250 सैंपल्स का रिजल्ट हमारे पास 247 का आ गया है। इसमें अभी तक यानी कल तक तो कोई हमारे बिजनौर जनपद में कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन कल से लेकर आज तक जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं उनमें 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 तहसील नजीबाबाद के विभिन्न गांवों के हैं, 3 अलग अलग गांवों के, 3 तहसील नगीना के, 3 अलग अलग गांव के हैं, और नहीं 2 तहसील नगीना के अलग अलग गांव के हैं और 3 तहसील धामपुर के अलग अलग गांव के हैं। इनका ये प्रोटोकॉल है कि जिन गांव से ये लोग आते हैं उन गांवों को सील कराने का, और उन्हें हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके वहां एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती, सैनिटाइजेशन की कार्यवाही, और इनके परिवार वाले लोगों को भी क्वारंटाइन करना, फिर उनके सैंपल भिजवाना, उन्हें अलग करना, ये सारी कार्यवाही तुरंत प्रारंभ कर दी गई है। तात्पर्य ये है कि ये 8 स्थान हॉटस्पॉट हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए हैं, वहां ड्यूटीज लगा दी गई हैं, वहां सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है और इन स्थानों को सील कर दिया गया है। सील करने का आशय ये है कि इन गांवों से बाहर किसी का जाना अब अनुमन्य नहीं है और किसी भी व्यक्ति का इन गांवों में अंदर जाना अब अनुमन्य नहीं है। अभी भी हमारे कुछ सैंपल्स पेंडिंग हैं रिपोर्ट के लिए, तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जाएंगी उनको उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनपद में सप्लाई चेन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। सभी जगहों पर फल और सब्जी का जो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी है उसकी व्यवस्था की गई, मेडिसिन्स की दुकानें खुली हुई हैं और उनकी भी डोर स्टेप डिलीवरी की जहाँ संभव है वहाँ पर व्यवस्था कराई गई है, और लॉकडाउन सख्ती से मेंटेन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो अपने संबोधन में कहा है कि इसे और सख्ती से मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि अब लॉकडाउन को आने वाले समय में और सख्ती से मेंटेन किया जाए, और ये जिन जगहों पर पॉजिटिव लोग आ गए हैं ये किसी भी स्थिति में उन स्थानों से बाहर इस संक्रमण के फैलने की कोई गुंजाइश न रहे, ऐसी व्यवस्था हम लोग